Dear students of class 6, I am continuing my lecture on your chapter number 7, Getting to Know Plants of your science book. In the last lecture, I told you about herbs, shrubs and trees, and now I am explaining you about the parts of a plant. ये plant के कौन कौन से parts होते हैं आप ऐसे छोटी classes से पढ़ते आ रहे हो parts of a plant. अभी से broader way में थोड़ा पढ़ोगे. रूट स्टेम लीव्स फ्लावर आर सम इम्पोर्टेंट पार्ट्स. आप अगर प्लांट ये डायग्राम देखो स्लाइड के अंदर, इसमें आपको मैंने रूट स्टेम लीव्स फ्लावर्स ये आपको पार्ट्स ऑफ द प्लांट बताए हुए हैं. ठीक है, द प्लांट्स आर डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, रूट एंड शूट. द पार्ट बिलो द सॉइल इज रूट एंड द पार्ट अबोव द ग्राउंड इज शूट. Shoot includes stem, leaves, buds, flowers and fruits. इसमें डायग्राम में देखो अंडरग्राउंड जो है आपको रूट दिखाई हुई है. जो धरती के अंदर होती है अंडरग्राउंड होती है वो आपकी रूट होती है. पार्ट ऑफ द प्लांट में जो पार्ट आपका अंडरग्राउंड है दैट इज रूट, और जो पार्ट आपका ग्राउंड से ऊपर है जो दिख रहा है आपको वह उसको बोलते हैं शूट. ठीक है, अब शूट में आपकी स्टेम आ गई, आपकी ब्रांचेज आ गई, लीव्स आ गए, बर्ड्स आ गए, फ्लावर्स आ गए, फ्रूट्स आ गए, और धरती के अंदर सिर्फ क्या है अंडरग्राउंड क्या है रूट, ऊपर का पार्ट शूट. अब इसे वन बाय वन कैसे पढ़ेंगे. फर्स्ट इज स्टेम. द स्टेम ऑफ अ प्लांट इज लिंक बिटवीन द रूट एंड द लीव्स एंड द फ्लावर्स. द स्टेम इज द मेन सपोर्ट ऑफ द प्लांट. द स्टेम ऑफ अ प्लांट सपोर्ट्स ब्रांचेज विच बियर बर्ड्स, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स. द शेप, साइज एंड नेचर ऑफ द स्टेम डिफर फ्रॉम प्लांट टू प्लांट. देखो जो पार्ट हमारा अंडरग्राउंड है वो तो रूट है, और जो पार्ट हमारा ग्राउंड से ऊपर है वो मेरा शूट है. अब शूट में जो मेन चीज़ है जिसके ऊपर सारी चीज़ें टिकी हुई हैं वो है हमारी स्टेम. ठीक है, स्टेम जो है वो मेन लिंक है बिटवीन द रूट, रूट तो अंडरग्राउंड है, एंड लीव्स एंड फ्लावर्स, क्योंकि स्टेम वो हिस्सा है जो मेन सपोर्ट दे रहा प्लांट को. स्टेम के ऊपर ही सारी ब्रांचेज हैं, ब्रांचेज के ऊपर ही बर्ड्स हैं, लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, फ्रूट हैं. ठीक है, जो स्टेम है उसके ऊपर ब्रांचेज हैं, और ब्रांचेज के ऊपर ही लीव्स हैं, फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, बर्ड्स हैं. ठीक है, अब ये जो स्टेम है आपकी, ये प्लांट टू प्लांट जो है उसको हम डिफर कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द शेप, साइज एंड नेचर ऑफ द स्टेम. ठीक है, अलग अलग स्टेम के हिसाब से हम प्लांट टू प्लांट ये स्टेम जो होते हैं इनका नाम भी अलग होता है. कैसे, सम प्लांट्स हैव थिन एंड वीक स्टेम, वेयर एज अदर हैव थिन एंड रूटी स्टेम. द स्टेम ऑफ अ ट्री इज कॉल्ड ट्रंक. द ट्रंक इन मोस्ट ट्रीज इज कवर्ड विद एन आउटर कवरिंग कॉल्ड बार्क. द बार्क प्रोटेक्ट द इनर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, इनर पार्ट्स ऑफ द ट्रंक. देखो कुछ प्लांट्स तो ऐसे होते हैं जिनकी स्टेम बहुत ज़्यादा पतली होती है, कमज़ोर होती है, थिन और वीक. आप कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी स्टेम जो होती है वो थिन होती है लेकिन वुडी होती है, मतलब हार्ड होती है. ठीक है, और जो बहुत ही मोटी स्टेम होती है बड़े बड़े ट्रीज की, जो कई कई सालों तक जिंदा रहते हैं ट्री, ठीक है, उनकी ट्री उन ट्रीज की स्टेम को बोलते हैं ट्रंक. मोटी मोटी हार्ड, मोटी भी हैं हार्ड भी हैं. ठीक है, तो ट्रंक इन मोस्ट ट्रीज इज कवर्ड विद एन आउटर कवरिंग कॉल्ड बार्क. जो ट्रंक ऑफ द ट्री होता है जो बहुत ज़्यादा हार्ड है, थिक है, ठीक है, हार्ड और थिक स्टेम जो है जिसे हम ट्रंक बोलते हैं, उनकी जो स्टेम होती है उनकी स्टेम बोले या ट्रंक बोले वो कवर्ड होती है विद आउटर कवरिंग नोन एज बार्क. ठीक है, एक बहुत ही हार्ड लेयर आ जाती है. आप देखते होंगे बहुत पुराने पुराने ट्रीज हैं, ठीक है, उनके अराउंड एक हार्ड कवरिंग आ जाती है जिसको उतारना भी आसान नहीं होता. ठीक है, तो वो जो हार्ड कवरिंग है उसे बोलते हैं बार्क ऑफ द ट्री.
और ये बार्क ऑफ द ट्री जो है ये ट्रंक के अंदर के पार्ट को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। बार्क प्रोटेक्ट्स द इनर पार्ट्स ऑफ द ट्रंक। अब स्टेम के क्या फंक्शंस होते हैं, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अ स्टेम। द मेन फंक्शंस ऑफ द स्टेम आर, द स्टेम कैरीज वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। देखो मैंने अभी आपको बताया था जो अंडरग्राउंड पार्ट है प्लांट का वो रूट होता है जो धरती के अंदर है। अब इन रूट, ये रूट्स क्या करती हैं, जो वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करती हैं सॉइल में से, उनको कहाँ तक लेकर जाना है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक लेके जाना है, ठीक है। तो उसको ले जाने का काम जो है वो स्टेम करती है, क्योंकि स्टेम वो हिस्सा है, बाकी जिसके ऊपर ऊपर का जो सारा पार्ट है वो शूट है आपका, जो हमें दिख रहा है प्लांट धरती से ऊपर वो सारा शूट है, लेकिन शूट सारा शूट में जो स्टेम है वो मेन पार्ट है, क्योंकि स्टेम के ऊपर पूरा प्लांट टिका हुआ है। तो रूट ने जो एब्जॉर्ब किया है, वो रूट ने जो एब्जॉर्ब किया है वो सीधा पहले कहाँ जाएगा, स्टेम के अंदर जाएगा, ठीक है। और स्टेम के ऊपर ही ब्रांचेज हैं, लीव्स हैं, बर्ड्स हैं, फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं। तो ये स्टेम जो है, जो वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब किए हैं रूट ने, उसे अलग अलग पार्ट्स ऑफ द प्लांट तो हम बोलते हैं, लेकिन मेन लेके जाते हैं लीव्स तक, ठीक है। क्योंकि लीव्स जो है वहाँ तक लेके जाना होता है इन वाटर और मिनरल को, तो स्टेम ये काम करती है। द स्टेम कैरीज फूड मेड बाय द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब मैंने बताया ना, वाटर और मिनरल रूट से कहाँ चले गए, लीव्स के पास, किसकी हेल्प से, स्टेम की हेल्प से। और लीव्स जो है फिर फूड प्रिपेयर कर लेते हैं प्लांट के लिए। अब जब लीव्स ने फूड प्रिपेयर कर लिया तो फूड को हर पार्ट ऑफ द प्लांट तक जाना है, ठीक है। वाटर और मिनरल को तो सिर्फ लीव्स तक ही जाना है, लेकिन रूट को, सॉरी, जो फूड प्रिपेयर हुआ है बाय द लीव्स, उसे हर पार्ट ऑफ द प्लांट पे जाना है, ठीक है। तो हर पार्ट ऑफ द प्लांट पे फूड पहुंचाने का काम भी स्टेम ही करती है। और स्टेम जो है वो सारी चीज़ों को सपोर्ट करती है, ब्रांचेस को, लीव्स को, फ्लावर्स को, फ्रूट्स को। ये मैंने अभी आपको कई बार बता दिया कि स्टेम के, स्टेम ही मेन सपोर्टिव पार्ट है प्लांट का, और स्टेम से ही ब्रांचेस निकल रही हैं और ब्रांचेस के ऊपर लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स लाइक करती हैं। नाउ वी विल रीड द एक्टिविटी टू शो दैट वाटर ट्रेवल्स अप थ्रू द स्टेम ऑफ अ प्लांट। अब हम कैसे बोलेंगे कि स्टेम वो चीज़ है जो रूट ने एब्जॉर्ब किया है, उसे ऊपर तक लेकर जाने का काम स्टेम करती है। तो वाटर जो रूट एब्जॉर्ब कर रही है, वाटर और मिनरल जो रूट एब्जॉर्ब कर रही है, उसे स्टेम लीव्स तक लेकर जाती है। हाउ वी कैन वेरीफाई इट, वी विल रिक्वायर टू ग्लासेस, दो ग्लासेस लेने हैं, उसमें वाटर डालना है, रेड इंक, टू फ्रेशली कट स्टेम्स ऑफ अ प्लांट प्रेफरेबली बियरिंग वाइट फ्लावर एंड अ ब्लेड ऑफ दिस एक्टिविटी एंड अ ब्लेड ऑफ फॉर दिस एक्टिविटी। तो क्या लेनी है, दो ग्लास लेने हैं, पानी लेना है, रेड इंक लेनी है और दो फ्रेशली कट स्टेम्स लेनी है एक प्लांट की, जिसके ऊपर वाइट कलर के फ्लावर और एक ब्लेड लेना है। अब दो ग्लासेस जो लिए हैं उसे एक वन थर्ड ऑफ वाटर पानी से भर दो, एक तिहाई। लेबल दीज ग्लासेस एज ए एंड बी और उन ग्लासेस का नाम रख दो ए एंड बी, ठीक है। अब कट द लोअर एंड ऑफ द स्टेम्स एट एन एंगल विद द हेल्प ऑफ अ ब्लेड। अब जो स्टेम आपने दो फ्रेशली कट स्टेम लिए हैं उसके लोअर एंड को, उसके नीचे वाले हिस्से को, ठीक है, स्टेम के नीचे वाले हिस्से को एक एंगल पे काटो ब्लेड की हेल्प से, ठीक है। और दोनों को दोनों ग्लासेस में, अलग अलग ग्लासेस में डाल दो। अब एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड इंक इन द ग्लास ए एंड शेक इट टू मिक्स द इंक। अब ग्लास ए में इंक ऐड करनी है लेकिन ग्लास बी में इंक ऐड नहीं करनी है, ओके। ओनली ग्लास ए में रेड इंक की कुछ ड्रॉप्स डाल। अब अगले दिन ऑब्जर्व करो क्या होता है उस ग्लास के अंदर, क्या हैपन। स्टेम फ्रॉम इनसाइड एंड फ्लावर ऑन इट इन ग्लास ए अपीयर रेड, द फ्लावर इन ग्लास बी रिमेन द अनचेंज्ड। अब आप अगले दिन क्या देखते हो
कि जो ग्लास ए है उसके अंदर जो फ्लावर वगैरह है आपका वो रेड कलर का हो गया है, ठीक है। फ्लावर जो है आपका जो वाइट कलर का था वो अब आपको रेड कलर का दिखाई देगा, जबकि बी क्लास में फ्लावर वाइट का वाइट ही है। अब इस एक्टिविटी से क्या सीखा आपने? फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी दैट वाटर मूव्स अप द स्टेम, इन अदर वर्ड्स स्टेम कंडक्ट वाटर जस्ट लाइक द रेड इंक, मिनरल डिजोल्व इन वाटर ऑल्सो मूव अप इन द स्टेम अलॉन्ग विद द वाटर। तो इस एक्टिविटी से हमने ये देखा कि जो पानी के अंदर डिजोल्व इंक थी वो तो ए में भी चढ़ी होगी और बी में भी चढ़ी होगी स्टेम की हेल्प से, क्योंकि स्टेम का काम ही यही होता है। तो ये वेरीफाई कैसे हुआ? एक तो रेड कलर का हो गया जिसमें हमने इंक डाली थी, दूसरा रेड कलर का नहीं हुआ जिसमें हमने इंक नहीं डाली थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वाटर में डिजोल्व मिनरल होते हैं वो भी पानी के साथ ऊपर चढ़ जाते हैं, जैसे कि ये रेड इंक चढ़ गई, ठीक है। एक तो इससे ये वेरीफाई हुआ कि पानी तो जाता ही जाता है, दूसरा ये वेरीफाई हुआ कि अगर मिनरल डिजोल्व फॉर्म में तो वो भी जाएंगे, ठीक है। जिससे क्या होगा, वो जो फ्लावर होगा वो वाइट से पिंक कलर का हो जाएगा, जबकि दूसरे वाले फ्लावर में वो वाइट का वाइट ही रहा। तो दिस शोज दैट हाउ स्टेम कैरीज वाटर एंड मिनरल अप टू द लीव्स, अप टू द लीव्स वेयर द फूड इज प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स। अब हमने स्टेम के फंक्शंस को सीखा, ठीक है, कि स्टेम क्या क्या करती है। अब कुछ स्टेम स्पेशल टाइप का भी काम करती है। एक तो होते हैं जनरल वर्क जो सारी सबने करना ही करना है, कोई भी प्लांट हो उसके अंदर स्टेम वो काम करेगी करेगी, लेकिन देयर आर सम डिफरेंट वर्क्स विच आर स्पेशलाइज फंक्शंस, उन्हें हम बोलेंगे मॉडिफाइड स्टेम, जो एक पर्टिकुलर टाइप की स्टेम्स ही उन पर्टिकुलर फंक्शंस को परफॉर्म करती है। तो उन मॉडिफाइड स्टेम को अब हम पढ़ेंगे। इन सर्टेन प्लांट्स द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम इज चेंज इन नेचुरल वे, सच स्टेम्स आर कॉल्ड मॉडिफाइड स्टेम्स। कुछ स्टेम्स ऐसी होती है जिनका स्ट्रक्चर बदला हुआ होता है, बट इन अ नेचुरल वे, जो गॉड गिफ्टेड है, हमने ही बनाया, ठीक है। तो इन स्टेम्स का जो फंक्शन है दैट इज द मॉडिफाइड फंक्शन, एंड दीज स्टेम्स आर सेड टू बी मॉडिफाइड स्टेम। सब मॉडिफाइड स्टेम्स स्टोर द फूड, अभी कुछ मॉडिफाइड स्टेम्स ऐसी होती हैं जिनका स्ट्रक्चर चेंज है और उनका अलग काम क्या है, टू स्टोर द फूड, वो फूड को भी स्टोर अप करती हैं। इन सर्टन प्लांट्स लाइक द स्टेम ग्रोज अंडरग्राउंड एंड स्टोर्स द फूड मेड बाय द लीव्स, फॉर एग्जाम्पल जिंजर, पोटैटो, अनियन। अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी स्टेम वैसी नहीं होती जैसे हम बोल रहे हैं आपको, है ना, सीधी खड़ी होती है, ब्रांचेस वगैरह होती हैं, लीव्स होती हैं उसके ऊपर, बोला है ना भी। तो कुछ ऐसी स्टेम्स होती है जो मॉडिफाइड होती है, उनका उनका जो वे ऑफ ग्रो वे है, जो उनका स्ट्रक्चर है वो ही बदला हुआ है, ठीक है, और वो फूड को स्टोर करती हैं, जैसे जिंजर, ठीक है, पोटैटो, अनियन, इनकी जो स्टेम होती है वो अंडरग्राउंड होती है, धरती के अंदर होती है और फूड को स्टोर करती है, जो फूड लीव्स ने प्रिपेयर किया है उसे स्टेम स्टोर कर लेती है, और इसी वजह से हम जिंजर, पोटैटो और अनियन की स्टेम को खाते हैं। हम किसी भी प्लांट के उसी बॉडी पार्ट को खाते हैं जिसके अंदर वो फूड को स्टोर कर रहा है, ठीक है। तो जिंजर, पोटैटो एंड अनियन हम खाते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टेम, ठीक है, बिकॉज दे आर दे स्टोर फूड एंड दे आर अंडरग्राउंड। पोटैटो देखो, उसके बाद अनियन देखो, डायग्राम में दिखाया हुआ है आपको, ठीक है, तो अनियन की स्टेम दिखाई हुई है आपको, और जिंजर भी इसी वे में ही होता है। तो दीज आर मॉडिफाइड स्टेम्स वी स्टोर फूड। सम मॉडिफाइड स्टेम्स कैन मेक द फूड। अब कुछ मॉडिफाइड स्टेम्स जो है वो फूड भी बनाती है, जैसे अभी मैंने बताया लीव्स का काम होता है फूड बनाना, लेकिन कुछ मॉडिफाइड स्टेम्स फूड बनाती हैं। उसमें हमारे आ जाते हैं कैक्टस, ठीक है, प्लांट लाइक कैक्टस प्रिकली पियर कैन परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ लीव्स बाय देयर मॉडिफाइड स्टेम्स, ठीक है। तो प्लांट लाइक कैक्टस एंड पियर, प्रिकली पियर, ये क्या करते हैं दोनों प्लांट, इनकी जो स्टेम होती है ये मॉडिफाइड स्टेम है, क्योंकि ये
लीफ का काम कर रही है, लीफ वाला काम स्टेम कर रही है टू प्रिपेयर द फूड, ठीक है। तो इनके अंदर जो लीव्स होते हैं, देखो डायग्राम में, स्लाइड के में डायग्राम जो बना हुआ है उसमें कहीं आपको कैक्टस प्लांट की लीव्स नजर आ रही हैं, तो आप कहोगे नहीं नज़र आ रहे, क्योंकि उसमें कांटेदार लीव्स होती हैं, ठीक है। लीव्स जो होती हैं वो एक तरह से कांटों की फॉर्म में होती हैं, लेकिन जो स्टेम होती है वो ग्रीन कलर की होती है। ये जो ग्रीन कलर की स्टेम होती है यही फूड प्रिपेयर करती है। तो दिस इज द मॉडिफाइड स्टेम एंड दिस इज द मॉडिफाइड फंक्शन ऑफ द स्टेम ऑफ कैक्टस, ठीक है। तो ये आपका मॉडिफाइड फंक्शन और मॉडिफाइड स्टेम शोन है, ठीक है। एग्जाम्पल है कैक्टस एंड प्रिकली पियर, जिसमें स्टेम का काम होता है फूड प्रिपरेशन, जो मेनली लीव्स का होना चाहिए वो स्टेम कर रही है। So today's lecture is over. You have to prepare it with written practice and makes notes. And if any problem occur, you may write on WhatsApp.